एक छोटा केंट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका छिटकू सा प्यारा सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज का गेम जो हम खेलने वाले हैं वो मेरा सबसे फेवरेट गेम है, जिसका नाम है वेयर डू एनिमल्स बिलोंग। क्या तुम तैयार हो? हमारे पास है पानी और जमीन, नीचे अलग अलग जानवरों की फोटो भी आ गई। अब जल्दी से बताओ कि ये एनिमल यानी कि टाइगर कहाँ रहता है? क्या ये पानी में रहता है? तो क्या ये जमीन पर रहता है? हाँ, ये जमीन पर रहता है, जंगल में। अब देखते हैं आगे क्या आएगा। मजा आ रहा है। तो ये वाला एनिमल कहाँ रहता है? ये है एक जेलीफिश। ये कहाँ रहती है? क्या ये लैंड यानी जमीन पर रहती है? ना, ये रहती है पानी यानी कि वाटर में। देखो, इसके दोस्त भी यहीं पर हैं। और अब आ गया ये राइनो। ये राइनो कहाँ रहता है दोस्तों? हाँ, ये लैंड पर रहता है यानी कि जमीन पर। चलो अब देखते हैं अगला कौन सा है। चलो, मजा आ रहा है। एक टर्टल यानी कि कछुआ। कछुआ कहाँ रहता है? जल्दी बताओ। हाँ, ये लैंड में और वाटर में दोनों में रहता है। ये ऐसे तैर भी पाता है और चल भी पाता है। अब ये है एलिफेंट यानी कि केंट की फैमिली। हम कहाँ रहते हैं? हाँ, लैंड में यानी जमीन पर, जैसे आप लोग भी रहते हो दोस्तों। ला 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 ला, ना 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 ना, इन्हें भी बनाना पसंद है। चलो अब बताओ कि ये शार्क कहाँ रहती है? बताओ बताओ, क्या ये लैंड पर रहती है यानी जमीन पर? नहीं, हाँ ये रहती है पानी यानी कि वाटर में। ला 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 ला, चली गई। अब देखते हैं अगला वाला जानवर कौन सा है। चलो, ओ ये है जंगल का राजा लायन। ये कहाँ रहता है? हाँ, ये लैंड पर रहता है। देखो, ये हमारे साथ वॉक भी कर रहे हैं जमीन पर। अब ये क्लाउन फिश कहाँ रहती है? क्या ये रहती है लैंड यानी जमीन पर? नहीं, ये रहती है वाटर यानी पानी में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। हमने आज बहुत कुछ सीखा। चलो बाय, अगली बार फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका प्यारा सा छोटा सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम खेलने वाले हैं मैच द राइमिंग वर्ड्स। वाहो, चलो शुरू करें। हमें हमेशा की तरह ये वाला गेम भी जीतना है। चलो शुरू करें। यहाँ पर 8 पिक्चर्स हैं, तो चलो गेस करो कौन सी पिक्चर किसके साथ राइम करेगी। पहली पिक्चर है डॉग की, DOG डॉग। ये किसके साथ राइम करेगी? चलो चलो देखते हैं। क्या ये मैट के साथ करेगी? ना, इसके साथ नहीं करेगी। अरे हाँ, यही तो जवाब था। ये मैच करेगी लॉग के साथ। DOG डॉग राइम करता है LOG लॉग से। अरे वाह, हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। डॉग लॉग दोनों राइम करते हैं। अब कैट का राइमिंग ढूंढते हैं। कैट वर्ड किससे राइम करेगा? क्या आपने सोचा दोस्तों? चलो ट्राई करते हैं। ये राइम करेगा मैट से। बिल्कुल सही जवाब, कैट और मैट। CAT से होता है कैट और MAT से मैट, और दोनों राइम करते हैं। कैट बैठ जाएगी मैट पर। ये अब चलो अगला वाला करें। अब आ रही है हैन यानी कि मुर्गी यानी कि कुकड़ू को। ये किससे मैच करेगी? बताओ किसके साथ राइम करेगी? क्या ये पैन के साथ करेगी? ना, क्या ये पेन के साथ करेगी? हाँ, हैन और पेन दोनों राइमिंग है। HEN से होता है हैन और PEN से पेन, और दोनों राइम करते हैं। हैन नहीं यूज करती है पेन। अब आखिरी वाला, ये है VAN वैन। ये किससे राइम करेगा? बताओ बताओ, ये तो इजी है। हाँ, पेन। अब तो गेस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, यही लास्ट वाला था। तो दोस्तों,
VAN वैन राइम करती है PAN पैन से। क्या तुमने सही जवाब दिया? पैन में मम्मा मेरे लिए ऑमलेट बनाती है। अब अगला वाला, चलो चलो हम तो एक्सपर्ट हो गए ना इसमें। ये है HAT हैट। ये किससे राइम करेगा? जल्दी बताओ, गेस करो गेस करो। क्या ये सॉक से राइम करेगा? नहीं, ये तो सही नहीं लग रहा। तो क्या ये बैट से राइम करेगा? हाँ, ये बैट से राइम करेगा। हैट और बैट, HAT हैट राइम करता है BAT बैट से। वो बैट से मुझे बहुत डर लगता है। ओ, अब अगला वाला है बॉक्स, BOX बॉक्स। ये किससे राइम करेगा? जल्दी बताओ दोस्तों। क्या ये सॉक से राइम करेगा? हाँ, हमने पहली बार ही गेस कर लिया। क्या बात है दोस्तों। तो BOX राइम करता है SOCKS सॉक से। मेरी ढेर सारी सॉक्स मम्मी रखती है बॉक्स में ताकि वो गंदे ना हो जाएं। अब अगला वाला है JUG जग। जग किससे राइम करता है बताओ दोस्तों। जग राइम करता है फिश से? नहीं, ये सही नहीं लग रहा। तो क्या ये राइम करता है मग से? हाँ, जग और मग राइम करते हैं। हमने सॉल्व कर लिया। JUG जग राइम करता है MUG मग के साथ। मैं जग से पानी मग में डालता हूँ और पीता हूँ, जैसे सब पीते हैं। तो चलो अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। ये है डिश। अब तो एक ही चीज बची है, अब तो गेस कर लो। हाँ, फिश। डिश राइम करती है फिश के साथ। चलो इसकी स्पेलिंग भी देखते हैं। DISH राइम करती है FISH फिश के साथ। मैं फिश को डिश में रख के खा जाता हूँ। यम यम। बहुत बढ़िया दोस्तों, हमने आज सारे पजल सॉल्व कर लिए और स्पेलिंग भी सीखी। अगली बार हम कुछ और खेलेंगे, तब तक तुम रिवीजन करते रहना। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका चुटकुला सा प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। क्या तुम्हें पता है मेरे पास ढेर सारी बुक्स हैं और उनमें कई सारे पजल्स हैं जिन्हें मैं रोज सॉल्व करता हूँ। मेरा नाम है कैन, मैं हूँ चुटकुला सा एलिफेंट। आज का क्विज है मैच द शेप्स फूड के साथ, जैसे हो ग्रेप्स। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, क्या कहते हो? बहुत मजा आने वाला है, तो क्या तुम सब तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ। देखो यहाँ तीन शेप्स हैं। ये है एक ब्रेड की स्लाइस। क्या ये ट्रायंगल है? नहीं, ये तो नहीं है। ये है स्क्वायर, यानी कि वर्ग। वेल डन। अब देखते हैं क्या आ रहा है। ये है वाटरमेलन, यानी कि तरबूज। ये यहाँ नहीं बैठ रहा। ये है सर्कल शेप का, यानी कि गोला। बहुत बढ़िया। और अब आखिरी वाला है ये चीज का स्लाइस। ये है ट्रायंगल, यानी कि त्रिकोण। हमने तीनों फूड मैच कर लिए। अब नए शेप आ गए हैं। ये है एक बिस्किट। क्या ये सर्कल यानी गोला है? नहीं। क्या ये ट्रायंगल यानी त्रिकोण है? नहीं, मतलब ये स्क्वायर यानी कि वर्ग है। बहुत बढ़िया। अब ये डोनट, ये है सर्कल यानी कि गोलाकार का। उसके बाद आएगा नाचो, जो है ट्रायंगल यानी त्रिकोण शेप का। वाह, हमने सारा फूड मैच कर लिया और नया फूड आ भी गया। क्या बात है। बताओ ये ऑरेंज का स्लाइस कहाँ जाएगा? यहाँ तो नहीं। ये है सर्कल यानी कि गोला। बहुत बढ़िया। उसके बाद है ये पिज्जा का स्लाइस। क्या ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग? नहीं तो। ये है ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण। और ये है यम यमी ब्राउनी, जो है स्क्वायर यानी कि वर्ग शेप की। क्या बात है दोस्तों। वाह, एक और सेट आ गया। अब बताओ वॉफल कौन से शेप का है? ये है स्क्वायर यानी कि वर्ग शेप का। और उसके बाद है ये। क्या ये सर्कल यानी गोला है? नहीं, ये ट्रायंगल है यानी कि त्रिकोण। उसके बाद बचता है ये चॉकलेट चिप कुकी, जो जाएगी यहाँ पर। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। हमने तो सब कुछ सॉल्व कर लिया। हम बहुत होशियार होते जा रहे हैं, क्यों है ना? ये देखो मेरा सैंडविच, पहले ये स्क्वायर था और अब ये त्रिकोण हो गया है। और इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए मैं खाता हूँ। बाय बाय।
हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका चुटकुला सा प्यारा सा दोस्त केंटी एलिफेंट। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज खेलने वाले हैं, यानी कि एनिमल्स को उनकी शेप से मैच करना। चलो शुरू करते हैं, तुम तैयार हो ना? अरे वाह, ड्राइंग बननी शुरू भी हो गई। देखते हैं ये कौन कौन से एनिमल की पिक्चर है। अगर कोई जानता है ये कौन सा एनिमल है तो बता दो। क्या तुमने कुछ गेस किया दोस्तों? अरे वाह, कितनी सारे एनिमल्स है ना। हमारा पहला एनिमल है एक लायन। ये कहाँ पर जाएगा? क्या ये यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर फिट नहीं हो रहा ना। यहाँ पर भी नहीं, और यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर सही लग रहा है। ये है L-I-O-N लायन, यानी कि शेर। अब चलो देखते हैं दूसरा वाला कौन सा है। बताओ कहाँ मैच कर रहा है ये? गेस किया ना? यहाँ नहीं। तो क्या ये यहाँ पर मैच होगा? नहीं, ये तो काफी बड़ा है। हाँ, ये रहा। ये है फॉक्स, F-O-X फॉक्स, यानी कि लोमड़ी। अब देखते हैं तीसरी फोटो किसकी है। इसके तो पर है, ये कहाँ पर फिट होगी? कोई गेस कर सकता है ना? ये तो बहुत बड़ा है इसके लिए। हाँ वहाँ पेड़ के ऊपर घोंसले में। ये है BIRD बर्ड, यानी की चिड़िया। ट्वीट ट्वीट। इसके बाद वाले एनिमल को मैच करने के लिए तैयार हो ना दोस्तों? तो जल्दी से गैस करो। नहीं, यहाँ नहीं फिट होगा। हाँ, यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ये है TIGER टाइगर, यानी कि बाघ। अरे वाह, मजा आ रहा है ना? ये तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। इसे पहचानने में गलती नहीं करना दोस्तों। नहीं, यहाँ फिट नहीं होगा। यहाँ भी नहीं। हाँ, यहाँ फिट होगा। क्या बात है दोस्तों, ये है ELEPHANT एलिफेंट, यानी कि हाथी। अब ये वाला कौन सा है? क्या तुम गेस कर सकते हो? ना, यहाँ पर नहीं। हाँ, यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ये है गोरिल्ला, GORILLA, गोरिल्ला। अब बस एक ही बचा है, इसमें गेस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इसे लगा दिया और ये फिट भी हो गया। ये है RHINO राइनो। सब हो गया दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब मैं चलता हूँ, अगली बार फिर से मिलूंगा। बाय बाय, एंजॉय करना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं केंट, आपका प्यारा सा छुटकू सा दोस्त केंट द एलिफेंट। आज हम ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें हमें पिक्चर को वर्ड से मैच करना है। चलो शुरू करते हैं। अरे वाह, पिक्चर्स आ गई। ओ, वर्ड्स भी आ गए। इस तरफ है पिक्चर्स और यहाँ है वर्ड्स। देखते हैं कौन किसके साथ मैच करता है। तो क्या तुम तैयार हो? तो चलो। ये किसके साथ मैच करेगा? बताओ बताओ, क्या ये ब्रोकली है? नहीं। तो फिर क्या ये लायन है? हाँ, ये तो लायन है, यानी कि शेर। LION लायन, जंगल का राजा। अब अगला वाला। यमी यमी, ये किसके साथ मैच करेगा? कपकेक। हाँ, ये तो कपकेक है। CUPCAKE कपकेक। अगला वाला हम सर पे पहनते हैं। सोच लिया दोस्तों? क्या ये ब्रोकली है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या ये हैट है? हाँ, ये तो हैट ही है। इसे सर पे पहनते हैं, HAT हैट। मेरे पास भी हैट है। अब आखिरी वाला है ये। ये किसके साथ मैच करेगा? ये तो इजी है, एक ही बचा, ब्रोकली। ये यम्मी यम्मी, कितना यम्मी। BROCCOLI ब्रोकली। ओहो, अब नए पिक्चर्स और नए वर्ड्स आने वाले हैं, क्या बात है। पहला वाला है ये। तो ये क्या है? क्या ये कार है? क्या इसमें बैठकर आप घूमने जाते हो? नहीं। क्या ये एप्पल है? हाँ, ये तो एप्पल है। An apple a day keeps the doctor away, APPLE। अरे, ये तो मैं हूँ। बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसे ही दिखूंगा। अब बताओ कौन सा वर्ड मैच होगा? हाँ, एलिफेंट, केंटी एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट। अब अगला वाला। रुम रुम। चलो बताओ ये क्या है? क्या ये काइट है जो हवा में उड़ती है? नहीं। तो फिर क्या ये कार है?
ये तो कार है। पम पम गाड़ी CAR कार। अब आखिरी वाला तो इजी है। ये है काइट। इसे हम हवा में उड़ाते हैं। KITE काइट। क्या बात है दोस्तों। ओहो, और पिक्चर्स और वर्ड्स आ गए। क्या बात है। अब ये पहला वाला किसके साथ मैच करेगा। इसे हम खाते हैं। क्या ये बटरफ्लाई है। नहीं, बटरफ्लाई तो नहीं है। तो क्या ये ग्रेप्स है। हाँ, ये ग्रेप्स हैं। जूसी जूसी ग्रेप्स। GRAPES ग्रेप्स। अब अगला वाला है ये। कितना क्यूट है ना। इसका वर्ड कौन सा होगा। अरे वाह, पहली बार ही गेस कर लिया। ये है बटरफ्लाई। BUTTERFLY। इसके 8 पैर होते हैं। क्या ये बुक है। क्या तुम इसे स्कूल में पढ़ते हो। नहीं, बुक तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या ये ऑक्टोपस है। हाँ, ये ऑक्टोपस है। OCTOPUS ऑक्टोपस। इसे हम स्कूल में ले जाते हैं। इसमें होमवर्क भी करते हैं। हाँ, ये है बुक। BOOK बुक। बहुत अच्छे दोस्तों, तुम सबने बहुत अच्छा किया। हम फिर मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखो। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका छुटपू सा प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। आज के गेम में बहुत मजा आएगा और हम कुछ नया भी सीखेंगे। मेरा नाम है कैंड, मैं हूँ छुटपू सा एलिफेंट। ये है नया चैलेंज। तुम हार ना मानना, मैं तुम्हारे संग हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर 8 वर्ड्स लिखे हैं और 8 पिक्चर्स भी हैं। वहाँ क्या बात है। अब तो मुझे लगता है कि चैलेंज आसान हो जाएगा। पहला वर्ड है कैट। CAT कैट, यानी कि बिल्ली। बिल्ली कहाँ है। हाँ, ये रही, सही पहचाना। क्या बात है दोस्तों, पहला वाला एकदम सही गेस कर लिया। CAT कैट यानी बिल्ली। अब दूसरा शब्द है वैन। VAN वैन। इसमें हम सुबह बैठकर स्कूल जाते हैं। ये रही वैन। वाह दोस्तों, बड़ा जल्दी गेस कर लिया। क्या बात है, ये है VAN वैन। उसके बाद है मैट। MAT मैट। क्या ये मैट है। नहीं। हाँ, ये रही मैट। क्या बात है, हम इसे बिछाकर इसके ऊपर बैठते हैं। MAT मैट। ये अब है CAN कैन। क्या बात है, तुमने एकदम सही मैच कर लिया दोस्तों। बहुत बढ़िया। CAN कैन, इसे कहते हैं कैन। उसके बाद है, ओ ये क्या है। HAM हैम। ये क्या होता है। ये रहा, हैम से कई सारी डिशेस बना सकते हैं। ये बहुत यम्मी लगती हैं। HAM हैम। ये उसके बाद है हैट। HAT हैट। ये रही हैट। इसे पहनकर मैं खूब डांस करता हूँ और बाहर जाते हुए भी लगाता हूँ। HAT हैट। उसके बाद है सैड, यानी कि दुखी। SAD सैड। कितने दुखी लग रहे हैं ना भैया। शायद इन्हें आज मम्मी से डांट पड़ी होगी। SAD सैड। उसके बाद आखिरी वाला है सिट। SIT सिट, यानी कि बैठना। और ये बच्चा बैठा हुआ है। क्या बात है दोस्तों, तुमने ये वाला भी गेस कर लिया। SIT सिट यानी कि बैठना। चलो एक और राउंड खेलते हैं। अरे वाह, वर्ड्स आ गए और हमारी पिक्चर्स भी आ रही हैं। सारी आ गई। क्या तुम मैच कर पाओगे। PAN पैन। पैन कहाँ है। ये रहा पैन। इसमें हम खाना पकाते हैं। मम्मा इसमें मेरे लिए ऑमलेट बनाती है। PAN पैन। उसके बाद है जैम। नम नम। इसे हम ब्रेड पर लगाते हैं। ये रहा जैम। ये शायद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला होगा। JAM जैम, जिसे ब्रेड पर लगा के खाते हैं। MAP मैप, यानी कि नक्शा। ये रहा नक्शा। और मैप में जो X मार्क है वो स्पॉट है। बहुत
बहुत बढ़िया दोस्तों, तुमने अच्छे से गेस कर लिया। MAP मैप यानी कि नक्शा। अगला वर्ड है रैट, RAT रैट यानी कि चूहा। ये रहा छोटा छोटा चूहा। बहुत बढ़िया गेस किया, RAT रैट यानी कि चूहा। इसे घर में मत आने देना। अगला है बैग, BAG बैग। ये रहा बैग। इसमें हम चीजें भरते हैं और उन्हें कैरी करते हैं। बहुत बढ़िया, BAG बैग। अब अगला वाला कौन सा है? टैग, TAG टैग। ये रहा टैग। टैग को हम बैग पर लगाते हैं और इस पर कभी कभी चीजों का दाम भी लिखा होता है। TAG टैग। ये उसके बाद है मैन यानी कि आदमी। MAN मैन। ये रहे। हेलो अंकल। ये है MAN मैन यानी कि आदमी। आखिरी वाला है बैट, BAT बैट। और ये रहा बैट चुटकु सा। ये रात को जागता है और दिन में सोता है। BAT बैट यानी कि चमगादड़। वाह दोस्तों, तुमने तो सब कुछ अच्छी तरह मैच कर लिया। तुम बहुत बेहतर होते जा रहे हो। चलो अगली बार मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका चुटकु सा प्यारा सा दोस्त कैंडी एलिफेंट। आज हम बहुत बढ़िया चीज बनाने वाले हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकु सा एलिफेंट। आज पिज्जा खाने का है मेरा मन। चलो बनाएं पिज्जा मेरे फ्रेंड। मेरे पास पिज्जा का बेस पहले से ही है, ये देखो। अब इसके ऊपर मैं चीज डालूंगा और धीरे धीरे टॉपिंग्स भी डालूंगा। इतनी सारी टॉपिंग्स आ गई और पिज्जा पर मैंने अल्फाबेट लगा रखे हैं, तो टॉपिंग्स को हमें अल्फाबेट्स पर ही सेट करना होगा। तुम समझ रहे हो ना दोस्तों? तो क्या तुम तैयार हो? बोलो, चलो शुरू करें। पहला वाला है लेटर ए। बताओ ए कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर है। तो पहला वाला है ए। ए ए कहाँ है? ये ए पर है पेपरोनी, PEPPERONI। इसे ए की जगह पर लगा देते हैं। और लगा दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, हम अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद आता है बी। अब बी वाली टॉपिंग कहाँ पर है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रही, बी वाली टॉपिंग मिल गई। ये है OLIVES, olives। इन्हें बी पर लगा दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, पिज्जा बन रहा है। उसके बाद आएगा सी। कहाँ है सी? सी 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 सी। हाँ, मिल गया सी। इस पे है MUSHROOM, मशरूम। और लगा दिया। यम यम मशरूम, मेरा फेवरेट। उसके बाद है लेटर डी। लेटर डी को ढूंढो। कहाँ है, कहाँ है? टमेटो यानी कि टमाटर। कहाँ लगेंगे टमाटर? लगा दिए। टमेटो टमाटर, टमेटो टमाटर। उसके बाद आएगा ई। और ये है ब्रोकली, BROCCOLI। इसे लगा दो ई की जगह पर। वुहू, बहुत बढ़िया। उसके बाद है लास्ट एफ। एफ कहाँ लगेगा? ये है चीज, CHEESE। और ये लगा दिया। यम यम, हमारा पिज्जा रेडी हो गया है दोस्तों। देखो, मैंने उसे सर्व भी कर दिया है। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए दोस्तों। हमने साथ में पिज्जा बनाया और बहुत कुछ सीखा भी। ये अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना। हेलो दोस्तों, मैं आ गया आपका छुटकु सा प्यारा सा दोस्त केंटी एलिफेंट। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकु सा एलिफेंट। ड्राइंग रूम है सोना मेरे फ्रेंड्स, चलो मिलकर सजाएं और बनाएं एलिगेंट। पर समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे वाह, यहाँ कुछ चीजें आ गई हैं। सबसे पहले है सोफा। बताओ कहाँ लगाऊं? परफेक्ट। अब हमें लगाना है प्लांट। प्लांट को कहाँ लगाऊं? कोने में नहीं अच्छा लग रहा, कुछ और लगाते हैं। हाँ, फैन। फैन ऊपर लगा दे। हाँ, बहुत बढ़िया। और लाइट कहाँ जाएंगी? हाँ, यहाँ अच्छी लग रही हैं। और इसके बाद आएगी साइड शेल्फ। इसको कोने में लगा देते हैं और दूसरी साइड शेल्फ को यहाँ पर लगा देते हैं।
और ये जो फ्लावर वाज है उसको यहाँ इस साइड शेल्फ के ऊपर। हाँ सही है। और इस वाली को इस साइड शेल्फ के ऊपर। और ये लैम्प इसे कहाँ लगाएं? यहाँ नहीं। हाँ यहाँ सही है। और ये पेंटिंग्स कहाँ लगेंगी? हाँ यहाँ पर, जैसा कि उस फोटो में है। ये, अरे वाह, केंट के घर का ड्राइंग रूम तैयार हो गया। अब चलो मेरा कमरा भी सेट करवा दो दोस्तों, मजा आ रहा है ना? ओहो, ये कमरा तो कितना खाली लग रहा है, मैं फिर सैड हो गया। मैं इस कमरे को और कैसे सजा सकता हूँ, बताओ ना दोस्तों। अरे एक पिक्चर आ गई, और देखो चीजें भी आ गई। मेरी जो बुक्स है वो कहाँ जाएंगी? हाँ यहाँ बुक शेल्फ पर। और अब मेरी फ्रेंड्स की कुछ पिक्चर्स, बताओ कहाँ लगाऊं? यहाँ नहीं, हाँ यहाँ पर। और अब ये कबर्ड, इसे कहाँ लगाऊं? हाँ यहाँ सही लग रहा है। और ये अलार्म क्लॉक, यहाँ नहीं, यहाँ, ताकि मैं सुबह उठ सकूं। और मेरा टेडी बैर जाएगा बुक्स के पास में। और ये जो मेरी फोटो है वो यहाँ रहेगी। और ये बास यानी कि फ्लावर पॉट जाएगा, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ सही है। मम्मा से बोलूंगा सुंदर सुंदर फ्लावर्स लेकर आए। ये हमने ये वाला कमरा भी सजा दिया दोस्तों, बहुत मजा आया। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ चुटकुस एलिफेंट। मेरा बाथरूम है सुना, मेरे फ्रेंड्स, चलो मिलकर सजाएं और बनाएं एलिगेंट। तो बताओ हमें पहले क्या करना चाहिए? देखो चीजें भी आ गई। ये है शैम्पू की बोतल, इसे कहाँ रखो? ना यहाँ नहीं, हाँ यहाँ पर। और ये टॉवल की बास्केट को भी ऊपर रख देता हूँ ताकि गीली ना हो। ओ, और मेरा फेवरेट टॉय, नहीं यहाँ नहीं रख सकता। अच्छा रुको, पहले हम रख देते हैं ये स्टूल। हाँ यहाँ सही लग रहा है। और फिर रख देते हैं बाथटब, ये कर दिया बड़ा, इसमें पानी भी है। अब जाएगी मेरी डकी इसके अंदर। और ये मेरा टूथब्रश और कॉम जाएगा यहाँ पर। अरे वाह, हमने मेरा बाथरूम भी सेट कर लिया दोस्तों, बहुत मजा आया। थैंक यू हेल्प करने के लिए, मुझे अपना नया घर बहुत पसंद है। हमने ड्राइंग रूम सजाया, फिर उसके बाद बेडरूम सजाया, और अब बाथरूम भी। केंट बहुत खुश है, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका चुटकुला सा प्यारा सा दोस्त केंट दी एलिफेंट। ओ ये तो तुरंत शुरू हो गया। बताओ ये किस चीज की फोटो है? क्या ये एक बस है? नहीं ये बस तो नहीं हो सकती। तो क्या ये एक बोट है? बोट तो नहीं है। तो फिर ये हुई एक कार, CAR कार, यानी कि गाड़ी। पीप 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 पीप। ओह अब ये क्या है बताओ दोस्तों? तुम्हारे पास है तीन ऑप्शंस। क्या ये वैन है? नहीं ये तो वैन नहीं है। क्या ये बस है? क्या तुम इसमें स्कूल जाते हो? नहीं। तो क्या ये ट्रक है? हाँ ये है ट्रक, TRUCK ट्रक, इसमें हम चीजें ले जाते हैं। अरे वाह ये जो है ये मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे पास है तीन ऑप्शंस। क्या ये एक ट्रक है? ट्रक तो अभी अभी गई। तो क्या ये गाड़ी है यानी कि कार? नहीं कार भी चली गई। तो क्या ये एक बाइसिकल है? हाँ BICYCLE, हमने गेस कर लिया। ट्रिंग ट्रिंग। अब ये क्या चीज है बताओ बताओ बताओ? क्या ये एक ट्रेन है? नहीं ये ट्रेन नहीं हो सकती। क्या ये एक बस है? ना ये बस भी नहीं है। क्या ये एक रॉकेट है? हाँ ये रॉकेट है, ROCKET रॉकेट, और ये उड़ भी गया। मैं इसमें बैठकर स्पेस पे जाऊंगा एस्ट्रोनॉट बनने के बाद। ये देखो ये क्या है, गेस करो गेस करो गेस करो। क्या ये एक वैन है? नहीं ये वैन नहीं है। क्या ये एक ट्रक है? ट्रक भी नहीं है। तो फिर ये हुई बोट, BOAT बोट, यानी कि नाव। ये पानी पर चलती है, और अब मैं भी चलता हूँ, बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छुटकु सा प्यारा सा दोस्त केंट दी एलिफेंट। आज हम कुछ जरूरी सीखने वाले हैं। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छुटकु सा एलिफेंट, घर साफ करता हूँ व्हेन द डे एंड्स, तुम भी हमेशा करना मेरे फ्रेंड्स। देखा ना कितना कचरा है, देखो यहाँ चार डस्टबिन भी है। देखो ये तो एक प्लास्टिक बोतल है, ये किसमें जाएगी? क्या ये इसमें जाएगी? नहीं इसमें नहीं, हाँ प्लास्टिक एंड मेटल वाले में जाएगी। हाँ हमने सही डस्टबिन में डाला। ये क्या है? ये है एक पेपर।
पेपर को हम कौन से वाले में डालेंगे? बिल्कुल सही, पेपर के डस्टबिन में। ओ मुझे याद है, मैंने इसमें ड्राइंग भी बनाई थी। अब ये क्या है? ये तो सेब का बचा हुआ टुकड़ा है, क्योंकि बाकी सब तो कैंट खा गया। अब इसे किस में डालूं? क्या ये ग्रीन वाले में जाएगा? नहीं, ये कंपोस्ट वाले में जाएगा। हमने इसे डाल दिया कंपोस्ट डस्टबिन में। ये क्या है? ओ ये भी एक बोतल है, पर ये ग्लास बोतल है, तो इसे हम किस में डालेंगे? ग्लास वाले डस्टबिन में। ये इसमें मैंने जूस पिया था। अब अगला वाला है सोडा का एक कैन। ये बना है मेटल से, तो इसे मैं क्या पेपर वाले में डालूंगा? नहीं, प्लास्टिक एंड मेटल वाले डस्टबिन में डालूंगा। ये हम बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। ओ ये बेड पर क्या है? ओ ये तो मेरी पुरानी किताब है, यानी कि बुक। इसे मैं किस में डालूं? नहीं, ग्लास वाले डस्टबिन में नहीं, पेपर वाले डस्टबिन में। बहुत बढ़िया। ओ इसमें पिक्चर्स भी थी। अब ये क्या है? ये तो बनाना का छिलका है, यानी कि केले का छिलका। इसे किस में डालूं? कंपोस्ट में, जैसे सेब को डाला था। केंट को पसंद है बनाना। एक और बोतल। ये तो ग्लास बोतल है। ग्लास बोतल किस में जाएगी? हाँ, ग्लास वाले डस्टबिन में। लेकिन टूटी हुई कांच की बोतल से बच के रहना चाहिए। यहाँ पे तो पॉपकॉर्न बॉक्स है। इसमें मैंने पॉपकॉर्न खाया था और पिक्चर देखी थी। क्या ये इसमें जाएगा? नहीं, ये जाएगा पेपर वाले डस्टबिन में। क्या आप भी पॉपकॉर्न खाते हो दोस्तों? ये क्या है? ये तो चिप्स का प्लास्टिक पैकेट है। तुम्हें याद है ना ये किस में जाएगा? प्लास्टिक जाता है प्लास्टिक एंड मेटल डस्टबिन में। इसमें मैंने चिप्स खाए थे। यम यम। और ये क्या है? ये है वाटरमेलन का छिलका। फ्रूट्स के छिलकों को किस में डाला था? नहीं नहीं, इसमें नहीं। हाँ, कंपोस्ट में। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज हमने काफी कुछ सीख लिया और साथ में मेरा कमरा भी साफ हो गया। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आ गया, आपका छिटकू सा प्यारा सा दोस्त केंट द एलिफेंट। मेरा नाम है केंट, मैं हूँ छिटकू सा एलिफेंट। नंबर और शेप सीखना है फ्रेंड्स, आखिर तक रहना तुम सब प्रेजेंट। आज हम सीखेंगे शेप्स और नंबर्स। देखो सब आ भी गए। तो बताओ बताओ ये क्या है? क्या ये पाँच है? नहीं, ये पाँच तो नहीं है। तो फिर क्या ये बारह है? नहीं, बारह भी नहीं हो सकता। तो क्या ये एक है? हाँ, ये तो एक है। और इसका शेप है पैरेललोग्राम। O-N-E-1 यानी कि एक। मुझे बहुत पसंद है रहना नंबर वन। देखते हैं अगला कौन सा है। क्या ये चार है? ना, चार तो नहीं है। क्या ये दो है? हाँ, ये दो है। और इसका शेप है डायमंड। T-W-O-2 यानी कि दो। और ये सेट हो गया। अब देखो मेरे पास टू है। आगे वाला देखते कौन सा है। हाँ, ये है थ्री। और इसका शेप है ट्रायंगल। T-H-R-E-E-3 यानी कि तीन। ये भी लगा दिया। मुझे थ्री नंबर पसंद है। अगला कौन सा है? क्या ये दस है? ना, दस तो नहीं है। तो क्या ये चार है? हाँ, ये चार है। और इसका शेप है रेक्टेंगल। F-O-U-R-4 यानी कि चार। क्या बात है दोस्तों, हमने अब तक सब कुछ पहचान लिया। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, ये है पाँच और इसका शेप है पेंटागन। F-I-V-E-5 यानी कि पाँच। पता है हमारी पाँच उंगलियाँ भी होती हैं। अब अगला वाला देखते हैं। क्या ये सेवन है? नहीं, सात तो नहीं है। क्या ये छह है? हाँ, ये छह है। और इसका शेप है ओवल। S-I-X-6 यानी कि छह। क्या बात है दोस्तों, इसका शेप क्या बताया था मैंने? हाँ, ओवल। अगला वाला क्या है? हाँ, सेवन। और इसका शेप है हेक्सागन। S-E-V-E-N 7 यानी कि सात। एक हफ्ते में सात दिन होते हैं। ये चलो अगले वाला देखते हैं। हाँ, यही है एट। और इसका शेप है प्लस। E-I-G-H-T-8 यानी कि आठ। ओये, हम सही जा रहे हैं। ओये, आहा। अगला वाला कौन सा है? नहीं, ग्यारह तो नहीं है। तो क्या ये नौ है? हाँ, ये है नौ।
इसका शेप है स्टार शेप, NINE 9 यानी कि 9। इसका शेप स्टार है, जैसे कि तुम सब स्टार हो, है ना? अगला वाला है नंबर 10 और इसका शेप है हार्ट, TEN 10 यानी कि 10। इसे मैं अपनी मम्मा को दूंगा, मम्मा के पास मेरा हार्ट है, लव लव लव। अब 11 और इसका शेप है स्क्वायर, ELEVEN 11 यानी कि 11। वाह, हमने गेम में इतनी सारी काउंटिंग सीख ली और शेप भी सीखे। अब बस आखिरी वाला जो कि है नंबर 12 और इसका शेप है सर्कल, TWELVE 12 यानी कि 12। बहुत बढ़िया दोस्तों, देखा हमने खेल खेल में कितना कुछ सीख लिया, बहुत मजा आया, है ना? तुम सब बहुत स्मार्ट हो दोस्तों, तुमने शेप और नंबर्स को अच्छी तरह से मैच कर लिया। अगली बार फिर मिलेंगे, बाय बाय। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट छोटा केंट।